अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स प्याज ली है, इसे अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। ये थोड़ी सी इमली है, इमली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना खट्टा पसंद हो। ये 20 लहसुन है, 20 सूखी लाल मिर्ची है, ये हाफ बंच करियापाक है, थोड़ी सी कोथमीर है, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। ये ग्लास तेल है, ये मैं फ्राई करने में भी यूज़ करूँगी, बघार में भी यूज़ करूँगी। ये 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पर मैं चेक करके डालूँगी। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। ये बघार के लिए 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची है, 3 से 4 लहसुन है, ये थोड़ा सा करियापाक है, 1/2 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। प्याज को फ्राई करेंगे। मैंने ये 1/2 ग्लास तेल डाला है। अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन, सूखी लाल मिर्च, इमली, कितने करियापाक। अब इसे मैं 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। ये अब अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जैसे ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे निकालेंगे। बघार के लिए मैं तेल डालूंगी, डालूंगी मैं ज़ीरा राई, मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च। बघार अच्छे से मिक्स हो गया है, चटनी रेडी है। अब आप इसे सर्व कीजिए चावल रोटी या डोसे के साथ, ये बहुत टेस्टी लगेगी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।